बिग बॉस 13 का घर इस समय गुलाबी रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का रोमांटिक केमिस्ट्री वीडियो तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, साथ ही ये कल टेलीकास्ट भी हो चुका है। लेकिन इसके बाद अब हम सभी के असीम पर भी इसका रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, बिग बॉस में पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि असीम रियाज रोमांटिक मूड में झूमते नाचते गाते दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट पे बात करने वाले हैं असीम और हिमांशी के बारे में। जी हाँ, बिग बॉस की ओर से एक प्रोमो जारी किया गया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इन दोनों की नजदीकियाँ और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगे हैं। जी आपको बता दें कि बिग बॉस ने जो प्रोमो वीडियो जारी किया है उसके अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह असीम अपने दिल की बात हिमांशी के सामने रखते हैं और हिमांशी उन्हें ये कहती दिखाई देती है कि मैं इस पर कैसे विश्वास करूं, हो सकता है ये भी तुम्हारा कोई गेम का हिस्सा हो, जिस पर असीम कहते हैं कि ये कोई गेम नहीं, इट्स माई रियल फीलिंग फॉर यू। लेकिन अंत में हिमांशी भी अपने प्यार को छुपाए नहीं छुपा पाती और वो भी कह देती है आई ऑल्सो फील फॉर यू। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जहाँ ये वही हिमांशी है जो हर बात पर ये कहती थी आई एम एंगेज, मेरे मंगेतर को ये बात नहीं अच्छी लगेगी, आप मुझसे ज़्यादा फ्लर्ट ना करें। तो अब उनके मंगेतर कहाँ गया, अब हिमांशी को उनके मंगेतर के बजाय असीम पर उनका दिल आ गया है। वेल, ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला मुद्दा बन चुका है, जहाँ हिमांशी हर टॉपिक पर असीम के हर बिहेवियर पर हर रिएक्शन पर ये कहती नज़र आती थी कि आप मुझे इस तरह से तंग ना करें, आप मेरा पीछा ना करें, मैं ऑलरेडी इंगेज हूँ, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। तो हम ये पूछना चाहते हैं आज अपनी इस खास रिपोर्ट के द्वारा कि अब हिमांशी का वो इंगेज कहाँ गया, हिमांशी अपने मंगेतर को भूल कर असीम के साथ क्यों इश्क का खेल शुरू करने वाली हैं। वेल, जिस हिसाब से प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है उसके हिसाब से तो हमें यही लगता है कि दोनों के बीच जल्द ही एक लव एंगल देखने को मिलेगा। वेल, ये देखना काफ़ी एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग रहेगा कि दोनों की केमिस्ट्री बॉन्डिंग कैसी रहती है और इस पर हिमांशी का फुल एंड फाइनल रिएक्शन क्या होता है। जहाँ एक तरफ वो ये कहती है कि मैं इंगेज हूँ, क्या वो अपने मंगेतर की इज्जत को बनाए रखती या वो घर में आकर एक नया इश्क का रास्ता चुनती दिखाई देंगी। वेल, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताइएगा और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।